नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर माली आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो राजस्थान जीके से संबंधित कुल महत्वपूर्ण वन लाइनर 25 प्रश्न हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, सोनारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो सोनारगढ़ का किला है जो राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है वहाँ पर स्थित है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर ज़िले में। सोनारगढ़ का किला पीले पत्थरों से निर्मित होता है निर्मित है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है सोनारगढ़ का किला। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा किला है। अगला प्रश्न, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आचार्य तुलसी जो अणुव्रत सिद्धांत के प्रणेता हैं उनका जन्म स्थान नागौर का जो लाडनू शहर कस्बा है वो है आचार्य तुलसी का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि जो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल का वो कौन सा है। अगला प्रश्न, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती हैं? तो सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती हैं या लगती हैं? तो 5 राज्यों से लगती हैं। अगला प्रश्न, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की पीठ है? तो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि वर्तमान में विजय स्तंभ का जो लोगो है वो किन किन विभागों का लोगो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जलमहलों की नगरी किस स्थान को कहा जाता है? तो डीग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है और डीग वर्तमान में राजस्थान का जो भरतपुर ज़िला है वहाँ रहे डीग। अगला प्रश्न है, किस जिले का लाल पत्थर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो धौलपुर का जो लाल पत्थर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और दिल्ली के लाल किले में और संसद भवन में भी धौलपुर के लाल पत्थर को काम में लिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पांचवे पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो जमनालाल बजाज ये महात्मा गांधी के पाँचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था? तो रतन सिंह जी राठौड़। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सी जागीर प्रदान की गई थी? तो गागरौन की जागीर प्रदान की गई थी पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। 13वां प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को दक्षिण भारत में फोग के पौधे को देखकर अपने वतन की याद आ गई थी? तो ये फोग का पौधा जो मारवाड़ क्षेत्र में होता है वो दक्षिण भारत में देखकर जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह जी उनको जो मारवाड़ अपने वतन की याद आ गई थी राय सिंह जी जो बीकानेर के शासक थे। अगला प्रश्न, श्रृंगारहार नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा या किस राजा के द्वारा की गई? तो श्रृंगारहार में ये जो रणथंभौर के राजा थे हमीर देव चौहान इनके द्वारा की गई। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो गणेश्वर से राजस्थान में पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं गणेश्वर, और गणेश्वर वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है नीम का थाना सीकर, वहाँ से गणेश्वर सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पर पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य मिलते हैं गणेश्वर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के बारे में ब्रिटिश संसद में 4 बार चर्चा हुई थी? तो ये किसान आंदोलन था सीकर का किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक सीकर किसान आंदोलन के दौरान किसान पंचायत का प्रथम सरपंच किसे बनाया गया था? तो हरु सिंह पथलाना या पलथाना को सीकर किसान आंदोलन का प्रथम सरपंच बनाया गया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस राजा ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब
की सहायता की थी, तो महाराणा राज सिंह जी। अगला प्रश्न, 1660 ईस्वी में औरंगजेब और महाराणा राज सिंह जी के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उसके कारण दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न, बिसल देव किस चौहान शासक की उपाधि थी? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया था और बिसलपुर गांव भी बसाया था। अगला प्रश्न है, सीकर का हर्षनाथ शिलालेख किस वंश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो सीकर का जो हर्षनाथ शिलालेख है वो चौहान राजवंश का जो इतिहास है वो बताता है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अंतिम सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आमेर के जगन्नाथ कछवाहा, जिन्होंने जो अकबर द्वारा सैन्य अभियान भेजे गए थे उनमें अंतिम बार इनका नेतृत्व किया था सैन्य अभियान का, जगन्नाथ कछवाहा। लास्ट एवं अंतिम प्रश्न, चक्रपाणि मिश्र किस राजस्थानी राजा का दरबारी कवि था? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ये राज दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। और आप इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।